वही लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। मुजफ्फरपुर में बीजेपी सांसद अजय निषाद कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने आज कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया है। बता दें कि इस बार टिकट कटने से वे बीजेपी से नाराज चल रहे थे। वही लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा प्रत्याशी अजय कुमार निषाद सबसे ज्यादा वोट पाने वाले सांसद बने थे। इस तरह अजय निषाद ने राजभूषण चौधरी को एक तरफा मुकाबले में 4,09,978 वोटों से हराया था। बता दें कि बीजेपी ने इस बार मुजफ्फरपुर से सिटिंग सांसद अजय निषाद का टिकट काट कर राजभूषण निषाद को मैदान में उतारा है। टिकट कटने के बाद से सांसद अजय निषाद काफी नाराज बताए जा रहे थे। अजय निषाद का टिकट कटने के बाद से उनके समर्थकों में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा था। जानकारी के मुताबिक अजय निषाद ने हाल ही में अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक करके आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की थी, जिसके बाद से उनके महागठबंधन में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। अब अजय निषाद ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और बिहार प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने अजय कुमार निषाद को पार्टी में शामिल कराया। माना जा रहा है कि कांग्रेस मुजफ्फरपुर सीट से अजय कुमार निषाद पर दावा लगा सकती है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, अखिलेश जी, प्रभारी मोहन जी, पवन खेड़ा जी और शीर्ष नेतृत्व का आभार, खासकर माननीय राहुल जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए। मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ और पार्टी कैसे मजबूत हो, कांग्रेस कैसे मजबूत हो, उस पर मैं दिन रात काम करूँगा। सर, मैंने पूछा था तो उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया कि आपका सर्वे रिपोर्ट गलत था। तो मैंने बताया कि मैं 4,10,000 वोट से चुनाव जीता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपका वोट तो है नहीं, सब ऊपर वाले का वोट है। तो मुझे भी किसी का अहंकार तोड़ना है और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापस पाना है। सर, किसी को फांसी की भी सजा होती है तो उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। सर, मेरा आप टिकट काट रहे हैं, आपने मुझे एक बार पूछा भी नहीं, सीधा मैंने अखबार टीवी में देखा कि मेरा टिकट कट गया, तो कहीं से नहीं, अचित नहीं है सर।